मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। परसों एक वीडियो आया देवी माँ को प्रसन्न करने का अनुष्ठान, और उसको लेकर आज अनेक भक्तों के व्हाट्सएप मेरे पास आए, और उसमें उन्होंने जो कहा वह आप सभी के लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा सकता है। उन्होंने कहा, अब एक जन ने क्या लिखा मुझे कि यूं ही अचानक आपके वीडियो पर मेरी नज़र पड़ गई, और मैं सोच रही थी कि इन दिनों नवरात्रों के व्रत ना रखूं, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको लेकर भोजन ज़रूर करना होता है। तो मन बहुत ही दुविधा में था, दुखी भी था, परेशान भी था, उदास भी था, क्योंकि बचपन से आज तक मैं नवरात्रों की व्रत करती आई हूँ, तो लगा कि अब ऐसे में छोड़ देना, तो मन बहुत ही व्याकुल था। तभी आपका वीडियो देखा, उसमें आपने बताया कि देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे वास्तविक व्रत और अनुष्ठान तो ये है कि कोई एक संकल्प कर लीजिए, आप चाहे खूब खाइए नवरात्रों में, कोई हर्ज नहीं, देवी माँ बिल्कुल रुष्ट नहीं होगी, लेकिन एक संकल्प कर लीजिए। और आपने जो संकल्प दिया वह था कि क्रोध ना करें 9 दिन। तो मैं तो प्रसन्न हो गई, मुझे लगा कि इतनी आसान बात कि सिर्फ 9 दिन क्रोध नहीं करना है, और मेरा व्रत जो मैं अब से पहले करती आई थी उन सब उपवासों का मुझे वही फल प्राप्त हो जाएगा। तो मन उसी प्रसन्नता में तत्काल बैठ गया संकल्प लेकर कि कुछ भी हो जाए मैं 9 दिन तक बिल्कुल भी क्रोध नहीं करूंगी, जबकि वैसे ही मैं क्रोध कम करती हूं, फिर भी मैंने संकल्प ले लिया। संकल्प लेकर बैठी ही थी, 5 ही मिनट हुए होंगे कि घर में किसी ने ऐसी बात कह दी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और जो चीख चीख कर घर में क्लेश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई, बैठकर वहाँ पर रोने लगी, उदास थी। दोबारा से मैंने YouTube खोला कि चलो कुछ देखती हूँ, तो फिर से आपका वही वीडियो सामने आया, और उसमें आपकी वो लाइन कि जिसमें आपने कहा था कि आप 9 दिनों का व्रत लेंगे कि 9 दिन तक हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन 1 घंटे में आपका वो व्रत भंग हो जाएगा क्योंकि माया करवा देगी। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में माया होती क्या है, कि मैंने जो संकल्प लिया था, जो मैं वैसे ही कम क्रोध करती थी, बावजूद उसके 5 मिनट के अंदर मेरा व्रत भंग हो गया। तो कृपया आप बताइए, क्या मैं दोबारा से इसी संकल्प को, इसी व्रत को ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल ले सकती हो, कोई हर्ज नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा है कि जैसे जो लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही, वे यदि कहें कि हम तो पहाड़ से नीचे फिसल गए, हमारी तो तपस्या भंग हो गई, तो क्या हम दोबारा पहाड़ पर ना चढ़ें? फिर चढ़ो। अरे चींटी कितनी बार ऊपर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, कोई बात नहीं। साधना का तो अर्थ ही यही होता है कि वह बार बार भंग होगी क्योंकि माया करेगी, और साधक कि तपस्या यही है कि वह हर बार साधना करता रहे। भंग हो गई, कोई बात नहीं, फिर करेंगे। अब लेकिन 9 दिन का संकल्प मत लो, क्योंकि 9 दिन का संकल्प बहुत भारी गठरी हो जाती है। इतना संकल्प लो कि 9 घंटे तक क्रोध नहीं करोगी। और क्रोध तो मैंने एक बात बोली, मेरे पास बहुत तरह के लोग आते हैं, अपने मन की सारी बातें कहते हैं, तो जो नंबर 1 रिश्वतखोर हैं उनसे मैंने कहा 9 दिन तुम कोई रिश्वत नहीं लोगे, वे भी नहीं साध पाए साधना को। उन्होंने कहा जैसे ही हम ये संकल्प लेते हैं कि रिश्वत नहीं लेंगे, ऐसे रिश्वत के ऑफ़र आते हैं कि हमें तत्काल अपना संकल्प तोड़ना पड़ता है, तत्काल। मैंने एक ढाबे वाले से कहा कि भाई तू माता रानी का भगत है ना,
बोला जी हाँ भगत हूँ, पक्का भगत हूँ। मैंने कहा अभी पता लग जाएगा कितना पक्का है। तो 9 दिन तक अपने ढाबे में सबको देसी घी का खाना खिला। तो उसने कहा लुटवाओगे जी मुझे, माता रानी का भगत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर लुटवा दो। अब 9 दिन में उस ढाबे वाले का कितना नुकसान हो जाएगा बताइए। इससे ज़्यादा नुकसान तो उसका, वो हर महीने वैष्णो देवी जाता है, हज़ारों रुपये आने जाने में खर्च हो जाते हैं, वो कर लेगा वो, क्योंकि उससे अहंकार बढ़ता है। दिन दुनिया आसपास की देखती है, सब लोग कहते हैं अरे क्या भगत है माता रानी का, हर महीने वैष्णो देवी जाता है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो ये जो उसके टूर लग रहे हैं वैष्णो देवी के, ये उसकी भक्ति थोड़ी ना बढ़ा रहे हैं, उसकी ईगो को और नरिश कर रहे हैं, अहंकार को पोषण दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कितने भक्त ऐसे देखे कि हम हर पूर्णिमा को गोवर्धन जी की यात्रा करने जाते हैं, 50-50 साल हो गए उनको यात्रा करते हुए, लेकिन जीवन में उनके झांक कर देखें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। मैं जो साधनाएं देता हूं, जो पूजाएं कराता हूं, वे व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। और ट्रांसफॉर्म कोई होना नहीं चाहता, रूपांतरण कोई चाहता नहीं, सस्ता सौदा चाहता है कि माता रानी के लिए नाम पर उपवास रख लो, थोड़े भंडारे कर दो, माता की चौकी करा लो, जागरण करा लो, बात खत्म हो गई, दुनिया भी कहेगी भाई वाह क्या भगत है, चारों तरफ यश फैलेगा। कोई भूखे रहने से, उपवास से रहने से कोई भक्ति होती है? अगर भक्ति होती तो जो गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती खाने को, जो कई कई दिन भूखे रहते हैं, वे भगत होते? कहा गया है ना, जे रब नहाते धोते मिलदा ते मिलदा मछियां डडुआ नो, कि अगर भगवान नहाने धोने और स्नान करने से ही मिलता तो मछलियां और मेंढकों को सबसे पहले भगवान मिल जाता, हर समय पानी में रहते हैं। तो ये सस्ते सौदे हैं सारे, आसान सौदे जिनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती कोई भी। कितने तुम चुनरियां चढ़ा लो माता रानी को जाके, जितनी मर्जी चढ़ा लो, सोने के छत्र चढ़ा दो, चांदी के छत्र चढ़ा दो, माता रानी के पास कमी है कोई? उसके भंडारे भरे पड़े और तुम कहाँ से लाके दे रहे हो उसे, है उसी का माल उसी को सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? इससे तुम्हारे जीवन में कौन सा रूपांतरण आएगा? अगर तुम्हें माता रानी को एक छत्र सोने का चढ़ा दिया, चांदी का चढ़ा दिया, चुनरियाँ चढ़ा दी, तुम्हारा जीवन कहाँ बदला उसमें? जीवन यहाँ बदलता है कि 9 दिन के भीतर अपने कोई ऐसा संकल्प लो जो आपकी बुराइयों पर आधारित हो, कि 9 दिन में इन बुराइयों को अपने पास भी नहीं फटकने दूंगा। इसीलिए है ना कि 9 दिन लोग कई शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, शेव नहीं बनाते। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि क्या हम अपने मन को कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसी साधना, ऐसा काम दे सकते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में हो जाए। और जब हम अपने मन को किन्हीं देवी देवताओं का आश्रय देते हैं तब वे टिक जाता है। अच्छे अच्छे शराबी मैंने देखे हैं 9 दिन शराब नहीं पियेंगे, क्यों? क्योंकि महामाई का 9 दिन अनुष्ठान चलना है। तो भैया जब 9 दिन तुम नहीं पी सकते तो महामाई के इन दिनों को थोड़ा बढ़ा लो ना, क्या हर्ज पड़ता है, बढ़ा लो, समझ लो 30 दिन महामाई के नाम के हैं, 1 दिन पी लो, फिर 30 दिन शुरू हो जाओ कि 30 दिन के दिन महामाई के। लेकिन नहीं, क्योंकि मन बेचैन रहता है। तो ये जितनी भी साधनाएं हैं हमारे जीवन की, जो मैं देता हूँ वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, और जो आप सब लोग करते हैं, जो रिचुअल्स हैं, कंडीशनिंग वाले हैं, रीति रिवाज वाले हैं, पारंपरिक पूजाएं उपासनाएं हैं, वे कर्मकांड की हैं। वे आपके जीवन में कोई रूपांतरण तो नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, आपके मन को एक संतोष, अहंकार को तृप्त करती रहेंगी कि हमने कुछ किया, हमने कंजके जिमा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अपने आप को तसल्ली आप दे सकते हैं, लेकिन अपने को बदल नहीं सकते। जब तक भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा,
तब तक परमात्मा की ओर कदम नहीं बढ़ सकते, ये याद रख लीजिए। जिनके भी बड़े हैं, भगवान महावीर हुए, भगवान बुद्ध हुए, जितने भी इत्यादि और परंपरा में हैं, जितने भी संत, उन सभी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। तुलसीदास जी हैं, कालिदास हैं, क्या किया इन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब तक आप के भीतर बदलाव नहीं होगा, तब तक भूल जाइए कि आपसे भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं हो सकते। तो आज जो बात मैंने बताई है, छोटे छोटे संकल्प लीजिए, दूसरों को क्षमा करने के संकल्प लीजिए, क्रोध ना करने के संकल्प लीजिए, चोरी चकारी बेईमानी ना करने के संकल्प लीजिए, इत्यादि जो जिस फील्ड में है और जहाँ जिस फील्ड में वो धोखेबाजी और बेईमानी कर रहा है, वहाँ उस धोखेबाजी और बेईमानी को कम करने का संकल्प करें। मैं बंद करने का नहीं कह रहा, कि जैसे पंडित पुजारी इत्यादि प्रवचन देने वाले कहते हैं ऐसा मत करो, इसे बंद कर दो। अरे कैसे बंद कर दें भाई, इतने समय से रिश्वत लेते आ रहे हैं, 20-30 साल हो गए, आज कैसे बंद कर दें? पंडित जी आप कह रहे थे बंद कर दो, मैं कहता हूँ कम कर दो। बंद तो हो गए नहीं तुमसे, पर भैया 100 लोगों से लेते हो, 50 से ना लो, 50 का तो काम वो कर दो जो भले और ईमानदार लोग हैं, उनका तो करो। और उनका करने से धीरे धीरे एक भीतर स्वाद आएगा ईमानदार होने का, और वो ईमानदार होने का स्वाद शायद एक दिन आपको उस जगह लाकर खड़ा कर दे कि जब आप ये सोचें कि पिछले 30 सालों में जो मैंने इतने बेईमानी और रिश्वत से पैसा कमाया, क्या करूँगा मैं उसका, व्यर्थ मैंने पाप की गठरी ढोई इतने दिनों, शायद वो समझ आ जाए, शायद। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी साधनाएँ मैं देता हूँ, इनको यदि कर लेंगे तो ही राम प्रसन्न होंगे, अन्यथा राम राम। Thank you.